मुझे लगता है इंग्लिश सीखना जरूरी है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं मुझे लगता है किसी काम का करना जरूरी है, या मुझे नहीं लगता है कि इस काम को करना जरूरी है। जैसे मुझे लगता है वहां जाना जरूरी है, या मुझे नहीं लगता वहां जाना जरूरी है। मुझे लगता है इंग्लिश सीखना जरूरी है, या मुझे नहीं लगता इंग्लिश सीखना जरूरी है। मुझे लगता है पैसा बचाना जरूरी है, मुझे नहीं लगता पैसा बचाना जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं मुझे लगता है किसी काम को करना जरूरी है को बोलने के लिए आप कहेंगे आई थिंक इट नेसेसरी टू। और अगर आपको कहना हो कि मुझे नहीं लगता इस काम को करना जरूरी है को बोलने के लिए आप कहेंगे I don't think it necessary to। जैसे मुझे लगता है इंग्लिश सीखना जरूरी है आई थिंक इट नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको कहना हो कि मुझे नहीं लगता इंग्लिश सीखना जरूरी है तो आप कहेंगे आई डोंट थिंक इट नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश। मुझे लगता है यह करना जरूरी है आई थिंक इट नेसेसरी टू डू दिस। मुझे नहीं लगता कि यह करना जरूरी है आई डोंट थिंक इट नेसेसरी टू डू दिस। मुझे लगता है पैसा बचाना जरूरी है आई थिंक इट नेसेसरी टू सेव मनी। मुझे नहीं लगता है कि पैसा बचाना जरूरी है आई डोंट थिंक इट necessary to save money। मुझे लगता है इसे खरीदना जरूरी है I think it necessary to buy this। मुझे नहीं लगता कि इसको खरीदना जरूरी है I don't think it necessary to buy this। मुझे लगता है सुबह में जागना जरूरी है I think it necessary to get up in the morning। मुझे नहीं लगता कि सुबह में जागना जरूरी है I don't think it necessary to get up in the morning। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो मुझे लगता है कोई काम करना जरूरी है या मुझे नहीं लगता कि कोई काम करना जरूरी है को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अब आप प्ले स्टोर से मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।